गाइस वेलकम टू अ न्यू वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैमसी का बेस्ट हॉस्टल। तेरा क्या बोला तूने? अच्छा मैं इसे बेस्ट इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा हॉस्टल है एंड आई लव इट। मैं इसे बेस्ट क्यों कह रही हूँ यू विल गेट टू नो इन अ मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा मदर टेरेसा हॉस्टल और इसको हम वार्डन्स हॉस्टल भी कहते हैं। लेट्स गो। तो ये है हमारे हॉस्टल के बाहर का एरिया जिसके जस्ट सामने है हमारा एनाटॉमी पार्क। क्वाइट प्रिटी नो। एंड बेस्ट बात तो ये है कि गर्मियों में यहाँ से काफी अच्छी हवा आती है। और अब हम चलते हैं मदर टेरेसा हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल से घुसते ही राइट साइड पे पड़ता है हमारा गार्ड्स रूम जहाँ पे आपको काफी बार कुछ काम पड़ सकता है जो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इस हॉस्टल को वार्डन हॉस्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर रहती है हमारी वार्डन मैम जो पैथ की प्रोफेसर भी है। तो यू बेटर बिहेव लाइक अ गुड हॉस्टलर हियर। जस्ट किडिंग, शी इज वेरी स्वीट एंड लिसन्स टू एवरी प्रॉब्लम। एंड ये है इनका छोटू सा गार्डन जो आगे भी काफी लंबा है। एंड राइट साइड पे पड़ता है हमारा प्लेइंग एरिया जहाँ पर हम अपने फ्री टाइम में बैडमिंटन खेलते हैं। और अब हम चलते हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर। तो इस हॉस्टल के बेस्ट होने का एक रीजन तो ये है कि ये कितना शांत है। कॉलेज के हेक्टिक आवर्स के बाद जब आप हॉस्टल आते हो एंड यू गेट पीस यू फील लाइक हेवन। और ये आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर। चलो लेट्स हैव अ लुक। ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर का वरांडा वाला एरिया जहाँ हम सब सोफा पे बैठकर गप्पे मारते हैं। एंड ये है कॉरिडोर। हॉस्टल का सबसे बड़ा कंसर्न होता है क्लेनलीनेस बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट हियर। हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ जहाँ पर हम अपनी लेट नाइट मैगीज एंड चाय वाले बर्तन वॉश करते हैं। As I was talking about cleanliness, तो इस हॉस्टल के वॉशरूम्स एंड बाथरूम्स आर द क्लीनेस्ट ऑफ ऑल। सी ऑल ऑफ देम आर सो क्लीन एंड प्रिटी। एंड द बेस्ट पार्ट द शावर्स अटैच्ड टू द गीजर। आई तो लव टू टेक अ शावर इन वार्म वाटर, मेक्स मी फील सो रिलैक्स्ड एंड आई थिंक यू विल लव इट टू। ये था हमारा बाथरूम एंड दैट्स मी। हाय। एंड दिस इज आवर वॉशरूम। वेरी क्लीन राइट। ये सब इतना साफ इसलिए है क्योंकि हर फ्लोर पे सिर्फ 15-20 लड़कियां ही रहती हैं, सो पीपल टू वॉशरूम रेशियो काफी कम है। एंड सफाई तो होती है हर दिन अच्छे से। एंड दिस इज आवर सेकेंड बाथरूम। इसमें भी शावर अटैच टू गीजर है। दिस वन इज माई फेवरेट बाथरूम एक्चुअली। अब हम चलते हैं वापस। हमारा फर्स्ट फ्लोर का टूर होता है खत्म। तो अब चलते हैं हम मेरे रूम पर जो इस फ्लोर पर नहीं है, एक्चुअली थर्ड फ्लोर पर है। एंड अगर आपका रूम थर्ड फ्लोर पर है तो मतलब आपके जिम के काफी पैसे बच जाएंगे क्योंकि ऊपर से नीचे करने में ही आपका वर्कआउट हो जाएगा। आई विश सब हॉस्टल्स में लिफ्ट होती एंड कितना सही रहता। बट एनीवेज तो अब आ गए हैं हम थर्ड फ्लोर पर। लेट्स गो। तो ये है हमारे थर्ड फ्लोर का वरांडा वाला एरिया। यहाँ पर भी एक सोफा है जिस पर बैठ के मेरी क्यूट सी रूममेट अपने फिजियोप्रॉफ के लिए प्रिपेयर कर रही है। हाय। तो अब हम चलते हैं कॉरिडोर्स की तरफ। तो दिस इज माय फ्रेंड्स रूम एंड दिस इज आवर क्यूट किचन। एंड ये आ गया मेरा रूम। आई लव माई रूम एंड यू विल गेट टू नो व्हाई। हियर दिस इज माई रूम। इट्स अ 3-seater one। वैसे तो ये काफी गंदा रहता है क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन स्पेशली इस वीडियो के लिए बहुत टाइम लगा के मैंने इसको साफ किया है। एंड दिस इज माई बेड विच यूजली लुक्स लाइक दिस। इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि स्वच्छता अभियान नीचे शुरू होना चाहिए था। और ये थी हमारी कबर्ड्स। एंड अब चलते हैं मेरी कबर्ड की ओर जो मैं दिखाना तो नहीं चाहती क्योंकि अभी काफ़ी गंदी होगी। तो बस फटाफट मैं कैमरा स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। लेट्स सी। काफ़ी गंदी है।
इसको हम बंद कर देते हैं। तो मेरे रूम की दो बेस्ट बातें, पहला तो मेरे रूम में है एक अटैच्ड वॉशरूम। यस यू हर्ड इट राइट, साउंड्स लैविश नो, अटैच्ड वॉशरूम। लेट्स सी, थोड़ा गंदा हो रखा है बट इट्स वेरी यूजफुल। शायद इनको पता था कि मैं आलसी हूँ इसलिए मुझे ये रूम दिया। एंड सेकेंड थिंग इज दिस बालकनी। इस बालकनी में बहुत ही प्यारी धूप आती है। सी कितनी प्यारी धूप है ठंड में। एंड ये हमारा सोफा है जिस पे बैठ के हम धूप सेकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। एंड जस्ट सामने हमारा ओल्ड बॉयज हॉस्टल जो अपनी पार्टीज के लिए बहुत फेमस है। इनके गानों पे तो हम भी नाच के खुश हो जाते हैं। फन पार्ट, इस बालकनी से एक सीक्रेट रास्ता है मेरे दोस्तों के रूम तक जहाँ मैंने अपने रूम से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। हाय मुस्कान, और ये मेरे बिल्कुल दोस्त है मुस्की चुस्की और चिंटू। हाँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और ये इनका प्यारा सा रूम है। ये अपना रूम बहुत साफ रखते हैं। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। ये है हमारी शालिनी बर्थडे गर्ल। इस लड़की को सफाई का इतना शौक है कि ये अपने साथ मेरा कमरा भी साफ कर देती थी। कॉरिडोर भी, कॉरिडोर भी, किचन भी भाई, किचन भी। अरे भाई बस इतना भी है। और ये घर जा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। इस रूम में हम सब ने साथ में अपनी लाइफ के सबसे फन मोमेंट्स जिए हैं। तो कॉलेज के बाद कुछ याद आएगा तो बस यही सब याद आने वाला है। हम आ गए हैं शालिनी मुस्कान के रूम से बाहर वापस कॉरिडोर में। आपको पता है ये हॉस्टल सारी कैंटीन सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप मेरी तरह आलसी और कामचोर हैं तो दिस विल बी द बेस्ट हॉस्टल फॉर यू। सबसे सीक्रेट खास बात इस हॉस्टल की, वैसे तो यूजी गर्ल्स हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग 11:30 है पर कभी कभी आप गार्ड से रिक्वेस्ट करके लेट एंट्री भी कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी नीडिंग दिस मोर देन एनीथिंग। मदर टेरेसा हॉस्टल की कंप्लेंट बहुत जल्दी रिजॉल्व होती है बिकॉज ऑफ दिस नंबर। जनरली तो सब सही चलता है बट इनकेस कोई कंप्लेन है यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाएगी विद इन 2-3 days। बट ये हॉस्टल सिर्फ दिल्ली हाइट्स को ही अलॉट होता है तो अगर आप दिल्ली से हैं तो काफ़ी ईजीली आपको ये हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर से हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मैमसी के बाकी हॉस्टल्स के टूर के लिए यार पढ़ाई लिखाई करो, नीट वीट क्लियर करो और आ जाओ मैमसी, या फिर मुझे कमेंट्स पे बताओ एंड आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट टू। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।